हेलो, कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आपने का होमवर्क सही चल रहा होगा, तो फिर आपको टेस्ट चल रहे होंगे। तो या तो आप वीडियो देखो, मत अभी टेस्ट कम्प्लीट होने के बाद देखना, और अगर देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप होमवर्क टाइम पर करते चलो, है ना। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो लेटेंट का मीनिंग देखो। एक जो वर्ड है लेटेंट, लेटेंट का मतलब हिडन, हिडन इसका मतलब हिडन। तो कह रहे हिडन हीट, तो हिडन हीट किस चीज़ की? एक हिडन हीट है, एक छुपी हुई हीट है जो कहाँ पे है, फ्यूजन ऑफ आइस। बहुत सारी जब फ्यूज होकर बनती है ना, आइस के अंदर भी हीट होती है, आइस के अंदर भी क्या होती है, हीट एनर्जी होती है। हाँ, ऐसा भी कभी होता है। आप कभी आप उसको, हाँ फ्रेस में बताऊँ कैसे हीट होती है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया? कभी उसको आइस को ना अपने गाल पर या मतलब किसी स्किन पर पार्ट पर बहुत देर तक रखे ना, तो आपका वो एरिया एकदम स्टिल तो हो जाएगा, लेकिन स्टिल के साथ साथ आपको वहाँ पर जलन सी मची गई। जलन, अब जलन जो होती है ना, वो हीट एनर्जी की वजह से ही होती है। 2 सेकंड रुकना जरा। ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये वो हीट है जो हमें रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द सस्पेंशन सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। यानी कि ये ऐसी हिडन हीट है जो रहती रहती है, और ये जरूरी क्यों होती है, ये होती क्यों उसके अंदर बेसिकली, ये नेचुरल लॉ है। ऐसा नहीं किसी इंसान ने आकर डाल दी इसके अंदर हीट, ये नेचुरली उसके अंदर हीट होती है। और क्यों होती है, तो ये नेचुरल लॉ है, ये होती क्यों है, ये होती है इसलिए क्योंकि एक टाइम पर सॉलिड को लिक्विड में चेंज होना होता है। तो बाहर से तो ये बाद में लेगी हीट एनर्जी, खुद के अंदर भी थोड़ी सी होनी चाहिए ना। तो वही एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू चेंज इन टू वाटर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, विदाउट डेफिनेशन दे दी उन्होंने ऊपर वाले द्वारा से। हाँ, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपको, मैं मेरे दोस्तों मुझे दे नहीं एक भी, अगर होती तो उसकी जरूरत पड़ती। स्पेसिफिक वैल्यू क्या है लेटेंट हीट की, अगर जूल पर ग्राम में देखोगे तो 336 आएगा, कैलोरी पर ग्राम में देखोगे तो 80 आएगा, ठीक है। फिर हम देखा जूल, जूल है वो, वहाँ पे कैलोरी है वो, है ना। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर सॉलिडिफाइज टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ आइस एट हीट 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेल्ट होते टाइम इतनी एनर्जी निकल रही है, इतनी हीट एनर्जी निकल रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट से जब फ्रीज होंगी तो सेम एनर्जी तो रिलीज होगी, तो वो इसी लिखा हुआ है। इट इज ऑन अकाउंट ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन दैट लेक्स एंड रिवर्स डू नॉट फ्रीज सडनली। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर नोटिस करो तो कभी भी सडनली लेक वगैरह रिवर वगैरह फ्रीज नहीं होती। उनका रीज़न क्या है, उनका रीज़न यही है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर मतलब क्या है, जब वाटर वेपर होता है ना, वाटर वेपर उसके अंदर भी हीट छुपी होती है, तो वो तो नेचुरल है, वो तो हमें दिखता ही है कि सर वो हीट एनर्जी के टाइम पे तो बनती है वो, जब हम उसको बॉयल कर रहे होते हैं। तो कह रहा है व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब वाटर बॉइल्ड हो जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस स्टेट में चेंज हो जाता है, बिल्कुल हाँ। अब वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू चेंज वाटर इन टू इट्स वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब और कुछ बोल दिया है उन्होंने, अभी कह रहे हैं सपोज करो मैंने ऊपर क्या बोलता, बिना बिना बाहर से हीट एनर्जी दी है, कुछ अंदर से हीट होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं
लेटेंट हीट ऑफ जो भी हो, है ना, लेटेंट हीट मतलब वो जो अपने अंदर ऑलरेडी हो बिना बाहर से लिए। तो वही कह रहे हैं कि अगर बाहर से हीट लेते हो यानी बाहर से टेम्परेचर बढ़वाते हो, बाहर से गैस वगैरह बॉइल करते हो, तो अलग चीज़ है, तो अलग चीज़ है, हम उसकी बात नहीं करें। कह रहे हैं बाहर से हमें कोई एक्सटर्नल हीट ले नहीं रहे, हमारे अंदर ही इतनी हीट होनी चाहिए, हमारे अंदर ही मतलब जिस मैटर की बात करें उस मैटर के अंदर इतनी हीट होनी चाहिए कि ये बिना एनी चेंज इन टेम्परेचर, यानी बाहर से टेम्परेचर में कुछ चेंज ना हो, बाहर टेम्परेचर में कुछ चेंज ना हो, फिर भी क्या हो, वाटर वेपर में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाए उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही, ठीक है, और हम उसको बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कोई भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे नहीं, ना एक ज़्यादा करेंगे ना एक कम करेंगे, और उसी पर रहने देंगे, और उस पर रहने के बावजूद भी अगर वो वेपर बनता जा रहा है तो सपोज, तो अगर होता जा रहा है तो होता भी है, होता जाता क्या होता भी है, तो वो जिस वजह से होता है वो होता है लेटेंट हीट की वजह से, इसका पूरा नाम क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी 386 से 18 ही होती है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है वेपराइजेशन की, 2268 जूल पर ग्राम, और या फिर आप कह सकते हो 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट आर बॉडी स्वेट्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। अब वो कह रहे हैं इट इज़ फॉर द सेम रीजन दैट आर बॉडी स्वेट्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी जो स्वेटिंग करती है उसका भी रीजन यही है कि हमारे अंदर भी लेटेंट हीट होती है, हमारे अंदर भी क्या होती है लेटेंट हीट होती है, हमारे अंदर भी हिडन होती है। इवापोरेशन ऑफ स्वेट टेक्स हीट फ्रॉम द बॉडी, जब वाटर जब स्वेट निकल रहा होता है हमारी बॉडी से और सूखता है, तो वो सूखता किस तरह से होंगे, हमारी बॉडी के अंदर से हीट निकल रही होती है, और बाद में उसको जब वो पानी निकलता है तो बाहर से हवा का जब झोंका लगता है तब हमें क्या होता है कूलिंग इफेक्ट मिल जाता है। द सेम अमाउंट ऑफ हीट रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है। दस कहाँ गया, द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ, देखो वही बोला है, अगर आप वाटर से गैस बना रहे हो तो वाटर से गैस बनाने में अगर इतनी एनर्जी निकल रही है 2268 एनर्जी लग रही है, बेसिकली लग रही है, तो जब इसको द्वार से यहाँ से वापस सॉलिड फॉर्म में लेके आओगे तो अब इस साथ इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वही लिखा हुआ है। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट स्टीम कॉजेस फार मोर हीट इज बर्न्स देन। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये इम्पोर्टेंट है, नीचे वाला पैराग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लाइन जो दी हुई नीचे वाली। वो कह रहा है इट इज ऑन अकाउंट ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट इज, वो कह रहा है हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है स्टीम कॉजेस फार मोर सीरियस बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है कि यही रीजन है कि इंसान के ऊपर गर्म पानी फेंक दो ना तो अब उतना ज़्यादा नहीं जलेगा, लेकिन उसके ऊपर पानी का धुआं बॉयल होने के बाद जब पानी बचता है ना, मतलब जो वेपर बन जाता है, अगर उस इंसान को उस धुएं के अंदर छोड़ दिया जाए ना, उस वेपर के अंदर छोड़ दिया तो वो ज़्यादा जल जाएगा, तो वो ज़्यादा जल जाएगा, तो स्टीम होती है ना स्टीम वो ज़्यादा डेंजरस होती है, वो ज़्यादा डेंजरस होती है, तो ध्यान रखना है। इट इज द सडन रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट कॉजेस द बॉइलिंग एसोसिएटेड विद टोरेंशियल रेन। ये एक न्यू वर्ड है, नोट कर लो, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, मैं ये दिखा रहा हूँ, ये कह रहा है रेन कैसे हो रही है एक्सट्रीमली हार्ड। सर एक्सट्रीमली हार्ड मतलब क्या, इतनी हार्ड कि फ्लड आ जाए,
इतनी हार्ड की फ्लड आ जाए जो अभी चाइना में हो रहा है। चाइना में आप देख रहे हो फ्लड की सिचुएशन हो गई है, तो चाइना भी जो रेन आ रही है उसको क्या नाम देंगे, टोरेंशियल रेन, ऐसी रेन की जिसके से स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, मतलब बहुत डेंजरस जो रेन होती है उसको बोलते हैं टोरेंशियल रेन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट इज द सडन रेज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन दैट कॉज द वॉयलेंस एसोसिएटेड विद टोरेंशियल। अब कहता है टोरेंशियल रेन जब आती है ना तो वो बहुत तबाही मचाती है, काफ़ी शोर फिर वॉयलेंस मचाती है, सिंपल से वॉयलेंस समझो। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि उसकी जो लेटेंट हीट होती है ना, उसके अंदर लेटेंट हीट जो होती है ठंडे होने की, कंडेंसेशन की, सॉरी कंडेंस करने की, वो धीरे धीरे नहीं, वो धीरे धीरे नहीं, वो सडनली रिलीज करती है, वो सडन रिलीज होती है, सडनली रिलीज होती है, एकदम से रिलीज होती है। जिस वजह से उसके अंदर जितनी वेपराइजेशन, जितनी भी हीट वाली एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है, और जब वो वेपर बाहर निकलता है तो वो और बादलों का फॉर्म ले लेता है, और जब और बादलों का फॉर्म मिलेगा तो और ज़्यादा रेन होगी वहाँ पर, तो ये उसकी वजह से होता है। आपको पता है ना टॉपिक क्या पढ़े थे, बेसिकली वाटर के प्रॉपर्टीज है ना, एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती है वाटर के पास, और भी एक और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो लेटेंट हीट तो हमने पढ़ ली, दो तरह की, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और है क्या, इट हैज बीन फाउंड दैट, ऐसा पता लगाया गया है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड टू 1 डिग्री सेल्सियस, अगर जब आप ये कि जब आप 1 ग्राम वाटर को हीट करोगे 1 डिग्री सेल्सियस पर, ऑलवेज एब्जॉर्ब 4.2 जूल और यू कैन से 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, तो वो पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर 4.2 जूल हीट एनर्जी की एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, द फिक्स अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बर्न ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तब वो कह रहे हैं अब ये जो उसने एब्जॉर्ब किया, अब उसने एब्जॉर्ब किया अब पता नहीं कितना क्या, अब जिसने जितनी भी क्वांटिटी एनर्जी एब्जॉर्ब की, बेसिक क्वांटिटी की वैल्यू पता है ना, 4.2 जूल या फिर 1 कैलोरी। ठीक है, तो जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कब, जब 1 डिग्री सेल्सियस, जब 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, तो उस टाइम पर जो हीट एब्जॉर्ब करता है, उस टाइम पर जो हीट एब्जॉर्ब करता है उस कैपेसिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट इज कॉमनली यूज एज अ कूलेंट इन मोटर कार, रेडिएटर, डेजर्ट कूलर एक्सेट्रा। वो कह रहे हैं यही रीज़न है जिस वजह से मोटर का यूज़ किया जाता है वहाँ पे, कूलेंट इन मोटर कार, मोटर का रेडिएटर। कूलेंट पता है क्या होता है, कूलेंट आपने अगर मूवी टीवी वगैरह, मूवी या सीरियल वगैरह में आपने टीवी में कभी देखा हो, चल चलते गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी वाला ओपन करता है आगे से उसको, तो देखता है एक जगह जो बहुत गर्म हो चुकी है, बहुत क्या हो चुकी है, बहुत गर्म हो चुकी है, तो वो गर्म करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं, ताकि पानी उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, पानी उस हीट एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और वो हीट एनर्जी उसके अंदर चली जाए और जो मटेरियल है वो ठंडा हो जाए। उसको ऐसा कूलेंट यूज़ किया जाता है मोटर कार में, डेजर्ट कूलर्स यूज़ किया जाता है कि डेजर्ट की गर्मी थोड़ी सी कम है वहाँ की, जाए गर्मी को थोड़ा सा क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सर इसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कुछ और भी होता है क्या, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एबल टू मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ नियर बाई लैंड एरिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर उस वाटर में उस वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा हुई, 4.2 पॉइंट से भी ज़्यादा हुई, 4.2 जूल से भी ज़्यादा हुई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी है, तो वो ना वेदर भी चेंज कर सकता है, वो क्लाइमेट भी चेंज कर सकता है, सॉरी वो क्लाइमेट भी चेंज कर सकता है अपने आसपास की जगह का। तो कैसे चेंज करेगा, गर्म करेगा उनको गर्मियों में, वो गर्मी गर्म करेगा उनको कब, सर्दियों में है ना, और ठंडा करेगा उनको समर में। ठीक है, और इसी से एक चीज़ आपके टॉपिक में आएगी, ज्योग्राफी में आप उसको पढ़ोगे, अगर वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज है ना, कि लैंड ब्रिज में एक हवा उधर सुबह से निकल के रात में वहाँ पे आती है सी की तरफ, तो लैंड थोड़ी ठंडी हो जाती है, फिर सी की ठंडक रात में लैंड की तरफ आ जाती है और फिर लैंड तब ठंडी हो जाती है, तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है, यह मैंने पढ़ा होगा। तो कह रहे यही वजह है जिस तरह से लैंड और सी ब्रिज होते हैं। तो
पूछेंगे तो नहीं आपसे लैंड और सी ब्रीज होते क्या है, पर आप पूछ सकते हैं चैप्टर में कि लैंड और सी ब्रीज आपने पढ़ा है तो क्या आप उसका रीजन बता सकते हो कि वो क्यों होता है। वाटर इज अ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आएंगे। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मीनिंग तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया था कि क्या यूनिवर्सल का मीनिंग है, वो क्या सॉल्वेंट का मीनिंग है, क्या यूनिवर्सल का मीनिंग है और क्यों इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। तो कह रहा है वाटर इज रिमार्केबल सॉल्वेंट, रिमार्केबल मतलब तारीफ करने लायक, एप्रिसिएबल सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट मतलब क्या जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डिजोल्व कर सको। तो वो कह रहे बहुत अच्छा डिजोल्व करने वाला मटेरियल है, इट डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेस, ये बहुत सारे सब्सटेंस को क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, फॉर्मिंग एक्वियस सॉल्यूशन, और उससे क्या बनाता है, एक वाटर सॉल्यूशन बनाता है। वाटर सॉल्यूशन का लिखा हुआ है, एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है, एक्वा का मतलब ही क्या होता है, वाटर। कहीं अगर ऐसे वर्ड आ जाए ना एक्वा, तो ध्यान रखना ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिए, चार में से एक ऑप्शन वाटर से रिलेटेड हो तो तुक्का मार देना वाटर वाला, 99.9% चांस है कि आपको ये सही जाए। इनको बोलते हैं रूट वर्ड्स जो हमें इंडिया में नहीं सिखाए जाते हैं। चलो इंग्लिश को छोड़ते हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। नॉट ओनली सॉलिड्स बट गैसेज एंड अदर लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। वो कह रहे हैं केवल सॉलिड ही वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, बहुत सारी गैसेस हैं जो उसके अंदर डिजॉल्व होती हैं, बहुत सारे लिक्विड हैं जो खुद उसके अंदर क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं फॉर द सेम रीजन। इसी अब वो इसी वजह से फॉर द सेम रीजन, इसी वजह से वाटर को ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एब्सोल्युटली प्योर वाटर इन नेचर, इसीलिए कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या ये ऑलमोस्ट ये कम्प्लीटली क्या ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, ये मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं कहोगे, वो ये बहुत डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आपको प्योर वाटर मिल जाए, कि आपको प्योर वाटर मिल जाए। सर प्योर वाटर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये इतना सॉल्वेंट मैटर है कि अगल बगल में कोई भी हवा भी चल रही होगी ना, तो ये हवा के एलिमेंट्स को डिजॉल्व कर लेगा अपने अंदर, अब से इसके अंदर इंप्योरिटीज आ जाएंगी, क्योंकि हवा तो गंदी होती है ना कुछ तो डिजॉल्व कर ही लेगा, चाहे वो गंदा हो चाहे वो अच्छा हो, डिजॉल्व तो कर ही लेगा। तो प्योर वाटर मिलना बहुत डिफिकल्ट है, प्योर वाटर मिलना तो बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, पता नहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कम हो रही है। गेट बंद करने के बाद भी आवाज़ आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बता देना, फिर मतलब मैसेज कर देना सर ये वॉइस आपकी सुनाई नहीं दी है, तो फिर मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई बात नहीं। फिर वाटर इज अ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सर ये फिर डाई वर्ड आ गया, क्या नहीं होता था डाई का, डी आई की होते हो, डी आई की, डी आई ई की बात नहीं कर, डी आई की बात, मैंने दो चीज़ की बात कर रहा है, दो चीज़ों की, ये तो पक्का ही है ना, डाई का मतलब मैंने आपको बताया था। तो कह रहे हैं वाटर डाई है हाई टू इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, सर पता नहीं क्या होता है टू इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वही पढ़ेंगे, पर अभी डाई का मतलब समझेगा, डाई का मतलब क्या टू है समथिंग है ना, एज अ रिजल्ट इट रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड डिजॉल्व इवन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूजली इलेक्ट्रोवेलेंट। कुछ वर्ड्स हैं इनको समझ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नोट करो इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में लिखवाएंगे, मैं सामने दिखा दे रहा हूँ आपको, नोट करना इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। किसी भी सब्सटेंस कह रहा है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी
कैसी एबिलिटी टू इंसोलेट इंसुलेट चार्ज, चार्जेस को इंसुलेट करने की, चार्जेस को जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव चार्ज आयन है ना उनको बोलते हैं चार्ज, तो उन चार्जेस को इंसुलेट करने करना उनको चार्जेस को इंसुलेट करना फ्रॉम ईच अदर, इंसुलेट करना ईच अदर इज कॉल्ड, मतलब ये ऐसे जो इस मेजर को बोलते हैं डायमेट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। और अगर आपको मीनिंग नहीं पता इंसुलेट का, इंसुलेट का मीनिंग लिख लो, इंसुलेशन वर्ड वैसे आपने समझ पढ़ तो रखा होगा, तो आप इंसुलेट का मीनिंग देख सोच सकते क्या होता है। इंसुलेट में अलग अलग करना, तो आप लिखा होगा डाई इलेक्ट्रिक दो, डाई मतलब दो, तो क्या करें दोनों चार्जेस को क्या करता है अलग अलग करता है, दो चार्जेस होते हैं मैटर के अंदर तो इन दोनों चार्जेस को क्या करता है अलग करता है, ठीक है। और भी वर्ड्स हैं तो लिख लो डेफिनेशन को बेसिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, नहीं तो एट्रैक्टिव है, एट्रैक्टिव फोर्स मतलब क्या, जो चीज़ों को अपनी तरफ पुल करे, जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करे खींचे, जो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करे खींचे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिपल्सिव, तो रिपल्सिव फोर्स कैसे होते हैं, जो चीज़ों को कैसे होता हूँ मैं पीछे मैं कैसे बोलूँ हिंदी में क्या बोलते होंगे इसे, टू रिमूव बैक, टू रिमूव बैक ही कर देना, टू पुल बैक ही कर देना, इसको पीछे हटाना है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स क्या है, एक एट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव फोर्स है, किनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में है ना। और ये जो फोर्स उनके बीच में आया है, ये जो फोर्स उनके बीच में आया है, ये फोर्स किस वजह से आया है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, उनके इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो चार्जेस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको कंपाउंड ऑर्गेनिक का भी नहीं पता तो लिख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, सब्सटेंस मेड अप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी जो नेचुरल सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक। और सर नेचुरल से नहीं बना, नेचुरल से नहीं बना वो इनऑर्गेनिक, यानी जो ये केमिकल से बना है, आर्टिफिशियली बना हुआ है, तो केमिकल वर्ड ज़्यादा यूज करो यहाँ पे। तो सब्सटेंस मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट, सब्सटेंस मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट, ठीक है। आप 2 मिनट जरा पढ़ो मैं जाता हूँ।
हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं दोबारा से करेंगे। नहीं नहीं अब मीनिंग समझ में आ गया ना। अब पढ़, अरे सर एक वर्ड तो रह गया, इलेक्ट्रो वैलेंट तो रह गया। ELECTRO, इलेक्ट्रो वैलेंट। बॉन्डिंग वगैरह बाद में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवेलेंट का मीनिंग क्या होता है सर? कुछ आयोनिक बॉन्ड्स को बोलते हैं। ये क्या ऑप्शन नया वर्ड आ गया? अरे मतलब क्या है? सिंपल जा, एक तरह की लिंकेज, एक तरह की लिंकेज, लिंकेज तो समझते हो ना, कनेक्टिविटी। एक तरह की लिंकेज जो कब फॉर्म होती है, वो कनेक्टिविटी कब बनती है, जो फॉर्म होती है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिव चार्ज आयन्स। जो दो अपोजिट आयन्स वाले, दो अपोजिट चार्ज्ड आयन्स जब मिलकर मिलते हैं तो जो लिंकेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं या फिर आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड जब प्लस और माइनस वाले आयन्स मिलते हैं सिंपल सा, तो उनकी कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? क्या होती है? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आप पढ़ना क्या लिखा हुआ थोड़ा समझ में आएगा आपको। वाटर हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी वाटर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के क्या होते हैं? चार्ज होते हैं और उनको अलग करने वाला सिस्टम भी होता है, ठीक है? एज ए रिजल्ट अब अलग अलग करने वाला सिस्टम होता है तो क्या करें, इसके वजह से उनका जो होता है अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए तो अलग अलग हो गए तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ है ना, वो भी कम हो जाएगा। अब वो कम हो गया एंड डिजॉल्व्स इवन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कम हो जाएगा तो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स बने हुए कंपाउंड हैं, वो इजीली क्या होने लगेंगे? डिजॉल्व होने लगेंगे, जो कि सिंपल सा नेचर है इलेक्ट्रोवेलेंट का, जो कि सिंपल सा नेचर है इलेक्ट्रोवेलेंट का। एक्टिविटी से और समझेंगे अभी क्या लिखा हुआ है। सबसे ऐसे दिया था रेफरेंस टू इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मतलब जो डिजॉल्व ना हो पाए। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सामने से दिखाई दे रहा है कि सॉल्युबल डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे इन वाटर, एक्चुअली डिजॉल्व इन इट ट्रेसेस, तो वो उसके रास्ते में डिजॉल्व हो जाते हैं। सर मतलब क्या समझते हैं? क्या मतलब है? सब्सटेंसेस दैट आर अपेरेंटली इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट आर अपेरेंटली इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्चुअली डिजॉल्व इन इट, है ना, इन ट्रेसेस। इवन व्हेन वी पुट वाटर इन ग्लास वेसल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लास डिजॉल्व इन इट। अब आपको ये लाइन तो समझ में नहीं आएगी, पर ये वाली समझ में आ गई है ना। तो इधर से एग्जाम्पल ऊपर लाइन का, वो कह रहा है जब आप वाटर में कोई ऐसी डालते हो जो ऊपर से दिखाई देता है कि डिजॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल है, वो भी रियल में क्या हो जाती है? डिजॉल्व हो जाती है रास्ते में, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब वाटर भी जब आप ग्लास के अंदर डालते हो ना, तो थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा जो आपको दिखाई भी ना दे, जिस पर आपको नहर भी ना पड़े, उतना ना ग्लास भी डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, उतना तो ग्लास भी डिजॉल्व हो जाता है। इट इज फॉर द रीजन, इसी रीजन की वजह से व्हेन डिस्टिल्ड वाटर इज केप्ड इन अ सील्ड ग्लास बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट लीव्स एचिंग ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। और यही वजह है जब हम डिस्टिल्ड वाटर को किसी सील्ड ग्लास के अंदर बंद रख कर देते हैं लंबे टाइम के लिए, तो वहाँ पे इचिंग्स रह जाती है, वहाँ पे क्या रहते हैं उसके अंदर ग्लास इचिंग्स रह जाती है, वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है वो, क्योंकि वो डिजॉल्व हो जाती है, डिजॉल्व होने से उसका साइज कम हो जाता है, तो अब सिकुड़ी सिकुड़ी से फिर दिखाई देने लगती है। एक्सपेरिमेंट देखो उसका क्या कह रहा है। सो दैट ऑर्डिनरी टैप वाटर, ऑर्डिनरी जो वाटर निकल जाता है टैप में से, उसके पास सॉलिड है, उसको सॉलिड आपको कंटेंट डिजॉल्व सॉलिड, तो आपको प्रूव करना है कि जो ऑर्डिनरी जो टैप आता है ना, ऑर्डिनरी टैप वाटर जो होता है बेसिकली नल में से पानी निकलता है, उसके अंदर ऑलरेडी सॉलिड होता है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे सर? प्रूफ कैसे करेंगे सब वाटर के अंदर, यानी कि आपको इम्प्योरिटी दिखानी है, आपको वाटर के अंदर ये सॉलिड दिखाना है। कैसे दिखाओगे तो सॉलिड को अलग करके, हाँ सॉलिड को अलग करके दिखाओगे कि सॉलिड को कैसे अलग करोगे? सोचो, पढ़ो जरा प्रोसीजर क्या चीज का। पुट सम टैप वाटर ऑन अ क्लीन वॉच ग्लास, एक क्लीन वॉच ग्लास में आप क्या रखो? वाटर रखो, ठीक है? प्लेस्ड ओवर अ बीकर कंटेनिंग वाटर, और जो क्लीन वॉच ग्लास है, जो आपको ग्लास है
इस ग्लास को एक बीकर में रखो, एक बीकर के ऊपर रखो, बीकर के ऊपर रखो, ठीक है, जो पिक्चर में आपको दिखा रहा है, और बीकर के नीचे क्या होना चाहिए, उस बीकर के अंदर क्या होना चाहिए, बीकर में तो पानी होना चाहिए, इसमें भरा हुआ है पानी, एस टूडेंट फिगर 3.5, बॉइल द वाटर इन द बीकर, और जो बीकर है उसके नीचे आप गैस वगैरह कुछ भी लगा दो, स्टोव वगैरह कुछ भी लगा दो, उसको क्या करो, वाटर को हीट करो, उसके अंदर जो वाटर है उसको हीट करो, बॉयल करो। वेन ऑल द वाटर इज एवापोरेटेड, जैसे सारा पानी एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द वॉश ग्लास, ग्लास में सारा पानी उड़ कर निकल जाएगा, तब आप वो बर्न हटा देना और फिर उसको ठंडा होने देना, उसको आप हटा देना, उसको फिर ठंडा होने देना, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑन लुकिंग एट द वॉश ग्लास अगेंस्ट लाइट, जब आप उसको लाइट के सामने रख के देखोगे, आपको दिखाई नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ सॉलिड मैटर आर सेम, ये है ऐसा, आपको ऐसे बहुत सारे क्या दिखेंगे, मैटर दिखाई देंगे, यही वो सॉलिड था, यही वो सॉलिड था, यही वो सॉलिड था जो पानी के अंदर डिजॉल्व था, अब वो अलग से आपको दिखाई देने लगा, वो आपको अलग से दिखाई देने लगा, यानी कि सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि कैसे पता लगे कैसे, तो कैसे के लिए आपने क्या किया, उस वाटर और सॉल्यूबल सॉल्यूशन में, उस वाटर सॉल्यूशन में से वाटर को अलग कर डाला, फिर जो भी चीज़ बची वो सामने आ गई, तो आप वाटर को अलग कैसे किया, वाटर को सब बॉयल करके वापरेट कर डाला पूरा, ठीक है। न्यूट्रल टैप वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर कंटेन डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है, बट रेन वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंटेन डिजॉल्व सॉलिड एंड सो कॉन्सेंट्रेटिंग रिंग्स आर नॉट फॉर्म इन देयर केस, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, हर तरह के पानी में नहीं होता ये, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर के सॉल्ट होता है ना ऑलरेडी डिजॉल्व होता है, ऐसा क्यों है नेचर में, ऐसा क्यों है नेचर में, जो भी चीज़ है हर किसी कुछ ना कुछ तो रीजन है, तो नेचुरल ही है ना सॉल्ट, तो वाटर में नेचुरल ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो वो कह रहा है इसका क्या दे, वो कह रहा है डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर आर सॉल्ट्स मिनरल्स एंड इम्प्योरिटीज, तो बता रहा है कि जो जो चीज़ें सॉलिड के अंदर डिजॉल्व होती हैं वो सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, कुछ गंदगी भी होती है, ठीक है, तो वो कह रहा है सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, सर वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो ग्रोथ के लिए जरूरी है सर, किसकी ग्रोथ के लिए, किनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के। दूसरा दे एड टेस्ट, दे एड टेस्ट, और टेस्ट थोड़ा इनकी बढ़ा देते हैं, टेस्टी कर देते हैं वाटर को। दूसरा दे सप्लाई द एसेंशियल मिनरल्स नीडेड बाई आर बॉडीज, ठीक है, और क्योंकि उसके अंदर पानी के मिनरल्स भी होते हैं, तो हम पानी को पियेंगे तो मिनरल्स हमारी बॉडी में फंसे नहीं पहुँचेगा, तो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं, 3 से कम का आएगा नहीं, 3 से ज़्यादा का, तो 3 नंबर आप, तो 3 नंबर आपके साथ पक्के हैं, ज्यादा से 2 का पूछ लेगा, 2 से कम का तो पूछेगा नहीं, ठीक है। एयर डिजॉल्व इन वाटर, नेक्स्ट टॉपिक, एयर डिजॉल्व इन वाटर, सर वाटर में एयर भी होती है, अरे H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट ऑक्सीजन का 1, तो हाइड्रोजन भी गैस ही है, ऑक्सीजन भी गैस ही है, तो गैस होगी नहीं होगी उसके अंदर, आप सोचो थोड़ा सा, तो फिर एयर इज प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट इन ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, वो कह रहा है वाटर जहाँ जहाँ से आ सकता है, सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब वाटर जहाँ जहाँ से आ सकता है, वहाँ 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 हर जगह पर उसके डिजॉल्व स्टेट में एयर आपको मिलेगी, एयर आपको वहाँ पर मिलेगी, ये हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। ऑफ द 2 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर, वो कह रहा है एयर के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें से 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, नाइट्रोजन थोड़ा कम होता है, पर दोनों वाटर में होते हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर एयर का कोई पार्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होता है, ठीक है। सिंस ऑक्सीजन इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपोजिशन ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर, वो कह रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो जो कंपोजिशन होता है ना एयर का, जो वाटर जो डिफर करता है ऑर्डिनरी एयर से, कंपोजिशन ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर, तो कह रहे जो कंपोजिशन होता है एयर का जो वाटर के अंदर होता है, वो बाहर है, बाहर थोड़ा अलग होता है, बाहर वाले एयर से अलग होता है, क्यों अलग होता है,
बाहर वाले एयर में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग ही प्रपोर्शन में होंगे, लेकिन पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अलग प्रपोर्शन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वो अलग प्रपोर्शन में है। ठीक है, जब प्रपोर्शन अलग है तो डिफर हो गए, नहीं हो गए? हो गए। द कंपोजिशन ऑफ एयर, द कंपोजिशन ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर इज दिस, तो उसका प्रपोर्शन क्या है? तो वो कह रहा है 33% तो ऑक्सीजन होती है, जबकि बाहर 21% होती है, और नाइट्रोजन 66% होती है, और कार्बन 1%, कार्बन 1%। ठीक है, तो ये आपको प्रपोर्शन बता दिया। एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, टू शो दैट अ टेप वाटर कंटेंट्स, टू शो दैट द टैप वाटर कंटेंट्स डिजॉल्व टू गैसेस, आपको प्रूफ करना है कि जो वाटर है ना, वाटर के अंदर गैसेस होती हैं। सॉलिड तो आपने चेक कर ही दिया था, तो कैसे कराया था आपने? उसको हीट किया था, सारी चीज को अलग किया था, गैप पानी भी आपने इवापोरेट कर दिया था, फिर जो बचा उसको आपने क्या कह दिया, सॉलिड है ना। वैसे ही है, आपको गैस दिखानी है, इसके अंदर गैस, गैस कैसे दिखाओगे? तो प्रोसेस पहले सुनो क्या है। फिल आर राउंड बॉटम फ्लास्क, के राउंड बॉटम में क्या लो, फ्लास्क लो, तो कम्प्लीटली फिल कर लो पूरा। ठीक है, आयन था पार्ट ऑफ सोडियम था 3.6, और इस तरह से सिस्टम को उनके तैयार करो, इस तरह से सिस्टम को तैयार करो। ठीक है, अ ग्रेजुएटेड ट्यूब, अ ग्रेजुएटेड ट्यूब, मैंने एक धीरे धीरे जो लंबा लंबा ट्यूब जा रहा है ये वाले की बात कर रहे हैं। कम्प्लीटली फिल द वाटर इज इन वॉट, कम्प्लीटली सॉरी, बुलेट फिल्ड कम्प्लीटली विद द वाटर इज इन्वर्टेड ओवर द एंड ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब। अच्छा, वो कह रहे हैं इसमें से जो ये जो ग्रेजुएटेड ट्यूब जा रहा है ये वाला, ठीक है, ये क्या करेगा, कम्प्लीटली विद द वाटर, अच्छा इसको भर दिया जाता है इन्वर्टेड ओवर द हेड ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब, हेड ऑफ द डेरिवेटिव। एक यहाँ पे वर्ड लिखो, एक यहाँ पर ये वर्ड लिखो, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, इसका हिंदी में तो मीनिंग में आपको समझा नहीं पाऊंगा, आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं। है ना, इसको बोलते हैं आप से, कुछ लोग गर्त बोलते हैं, कुछ लोग नाद बोलते हैं, नादिया। ठीक है, हिंदी में तो आई थिंक आपको मैं बताता, नादिया तो आप समझ नहीं पाते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो, इसको आप उसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप देख लो, आपको क्या समझ में आएगा ये। आप इसमें टैंक लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो वो कह रहा है कि उसको पानी को ना हम ग्रेजुएटेड ट्यूब से क्या करते हैं, एक ट्यूब में डाल देते हैं, एक इसमें टैंक में डाल देते हैं, छोटे से टैंक में डाल देते हैं, हीट है ना, मतलब गलत लिखा हुआ है ना। हम इसको यहाँ से इसमें डाल देते हैं, ठीक है, इसमें डाल देते हैं, फिर कहते हैं, फिर हम उस फ्लास्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं, फिर हम उस फ्लास्क को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने का क्या होगा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में गैस बबल्स आर फेन, गैस बबल्स बनने लगेंगे। ठीक है, आर सीन एस्केपिंग फ्रॉम द वाटर, और ऐसे लगेगा पानी से भाग रहे हैं, ऐसे लगेगा पानी से भाग रहे हैं, ऑब्वियसली आता है बबल्स ऊपर की तरफ उठते हैं ना, दे आर कलेक्टेड इन ग्रेजुएटेड लेट ट्यूब बाय डाउनवर्ड। वो कह रहे हैं दे आर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड लेट ट्यूब बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर। अब वो बबल यहाँ से बन के द्वार से यूज आएंगे, फिर यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, फिर यहाँ पर वो जो ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड ट्यूब है इन बॉल्स को पकड़ता रहेगा, पकड़ता रहेगा, पकड़ता रहेगा, है ना। ग्रेजुएटेड ट्यूब बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, है ना, वाटर को नीचे भेजता जाएगा और गैस को ऊपर लाता रहेगा, वाटर को नीचे भेजता जाएगा, गैस को ऊपर लाता रहेगा। ठीक है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गैस कंडेंसेशन आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड वाटर इन द ट्यूब। फिर वो कह रहा है वो जो गैस होती है, गैस वो ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है,
अब वापस से पानी में चेंज हो जाती है, वापस से पानी में चेंज हो जाती है। कंक्लूजन क्या निकला? द रिमेनिंग गैस कम फ्रॉम द एयर आर डिजॉल्व इन वाटर, है ना। अब जो गैस थी वो वापस किस में डिजॉल्व हो गई? वाटर में डिजॉल्व हो गई। दे एस्केप ऑन हीटिंग हीटिंग रीडिंग ऑफ द रीड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दस कलेक्टेड। ये क्या लिखा उन्होंने पता नहीं, तब वो लास्ट में बता रहे हैं आपको कि बेसिकली आप स्पेसिफिक तो ऐसे देख नहीं पाओगे, बस आपको ये देख पाओगे कि आपको कुछ वाटर नीचे जाता जा रहा है, कुछ वाटर नीचे जाता जा रहा है, कुछ टाइम बाद आपकी गैस रुक रही है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी देर के लिए रुक रही है बस, वहीं पे आप देख पाओगे उसको, उसके आगे नहीं। फिर तो ये क्या होगा, कंडेंस होकर वाटर में चेंज हो जाएगी। तो वो गैस एनर्जी, वो गैस थी आपकी, वो कंडेंस होकर वाटर में चेंज हो ही जाएगी। ठीक है, इसको ख़त्म भी कर देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन दी ग्रेजुएटेड ट्यूब शोज द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व गैसेस। ऑब्वियसली वो जो एयर होती है वो बेसिकली क्या दिखाता है कि वो एक टाइम पे डिजॉल्व थी गैसेस में, तो ये वाली चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज ऑफन एक्सपेक्टेड गैस डिजॉल्व ऑफ दैट गैस डिजॉल्व इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। वो कह रहा है जो अगर हम किसी भी गैस का, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी की मेजर करते हैं, सॉल्युबिलिटी की मेजर करते हैं, तो ऑफनली किस चीज़ में एक्सप्रेस की जाती है? वो एक्सप्रेस की जाती है बाय वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का कितना, उस गैस का कितना वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल द सॉल्युबिलिटी ऑफ एच टू इन वाटर इज एक्सपोज टू 0.02। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, और 50 डिग्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर आप बात करें हाइड्रोजन के वॉल्यूम, उसके कहते हैं हाइड्रोजन का जो वाटर में, हाइड्रोजन का जो वाटर में वो होता है क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी होती है वो होती है 0.02 वॉल्यूम की। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम देखा जाए, पर यूनिट ऑफ वाटर देखा जाए, तो वो कितना होता है 500 डिग्री, 506 डिग्री वॉल्यूम। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड पर सी एल, पर सी एल एच सी एल तो फुल फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस और 506 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कंपनी। द गैस डिजॉल्व इन वाटर कैन बी इजीली एक्सपेल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। वो कह रहे हैं इन गैसेस को कभी भी बॉइल करके रिलीज कर सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर एंड बॉइल्ड वाटर हैव नो टेस्ट, वो डिस्टिल्ड वाटर और बॉइल्ड वाटर में टेस्ट नहीं होता। द प्रीजन टेस्ट आता है, सिंपल सा टेस्ट आता है पीने का, और ये जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व मैटर होता है, ये सब डिजॉल्व मैटर की वजह से होता है, लाइक एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की वजह से। इम्पोर्टेंट पढ़ा दूँ मैं, आज पढ़ा दूँ इम्पोर्टेंस भी मैं आपको पढ़ाई दूँ। ये क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर। हमने बाकी सब्सटेंस की तो पढ़ी थी, सॉलिड्स की, अब एयर की तो बात करें। एयर डिजॉल्व इन वाटर इज बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पहला, मैरीन लाइफ लाइक फिश यूज द ऑक्सीजन ऑफ एयर। सब वो ब्रीथ करने के लिए वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन लेती है वो। ठीक है, ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर के अंदर ऑलरेडी होती है, जो वाटर के ऊपर नहीं आते ऑक्सीजन लेने के लिए, वो वाटर में से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ठीक है, ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन एंड दस एक्वाटिक लाइफ इज सस्टेंड, ताकि एक केवल फिश नहीं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं सारे के सारे क्या हों, बच जाएँ, थोड़े सस्टेन हो पाए। 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स नियरली 40 सेंटीमीटर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं 1 लीटर पानी में 40 सेंटीमीटर की तो डिजॉल्व गैस, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती ही होती है, ये वॉल्यूम बता रहा है ये। ठीक है, डी एम मतलब क्या, डेकामीटर, कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, एक हो सकती है वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, फिर सेकेंड है आपका, टू का वन है। एक्वेटिक प्लांट्स मेक यूज ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सर, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर होते हैं, वो सर इसी प्लांट, इसी पानी से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में आपको पता क्या बनता है, इस तरह से खाना बनाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया, पानी को मिलाया गया, क्लोरोफिल डाला, सनलाइट के पेंसिल आया, तो आपको ग्लूकोज बन गया C6H12O6। ठीक है, फिर आपको ऑक्सीजन अलग हो गया, उड़ानी है भी आपको ऑक्सीजन, फिर आपको वाटर अलग हो गया, वाटर अलग हो गया।
लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो कह रहा है कार्बन जो ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है, कार्बन जो ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर रिएक्ट्स विद लाइमस्टोन टू फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लाइमस्टोन पता क्या होता है? नींबू का, नींबू की सिरंजी क्या होता है जो भी समझते हो आप। तो लिखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो उसका फॉर्मूला क्या होता है लाइमस्टोन का, लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद करो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, उसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं इसको इसमें क्या करना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अलग से करना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अलग करना है। तो क्या करो CA को यहाँ पर ले आओ, CaCO3 हो जाएगा CaCO3। तो उसने क्या किया, लाइमस्टोन में थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा, थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ा, तो उसने क्या बना लिया CaHCO3। ठीक है, कार्बन हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड या फिर बोलो कार्बन बाइकार्बोनेट। मैरीन ऑर्गेनिज्म, मैरीन की बात करें, मैरीन ऑर्गेनिज्म सच एज स्नेल्स ऑयस्टर्स एटसेट्रा एक्सट्रैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट फ्रॉम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो कह रहे जो एनिमल्स होते हैं वो भी सर यहीं से क्या करते हैं, एनिमल्स वो क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यहीं से बिल्ड करते हैं। ठीक है, अपने सेल्स के लिए। ये एक्सरसाइज ये आपकी होमवर्क में है। ठीक है, कुछ ना समझ में तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना।